हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करूंगा कि जो लोग फार्मा फ्रेंचाइजी का बिजनेस कर रहे हैं उनको कौन से प्रोडक्ट के साथ अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। फ्रेंड, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम इसलिए आती है कि जनरली केस में हम लोग क्या करते हैं, जनरल प्रोडक्ट लेके चले आते हैं। एजिथ्रोमाइसिन ले लिया, पेंटाप्रोजोल ले लिया, रेविप्राजोल ले लिया, पैरासीटामोल ले लिया, सिक्लोफिनेक सेरेसियो ले लिया, सिक्लोफिनेक पैरासीटामोल सेरेसियो ले लिया। अब ये जो प्रोडक्ट के साथ हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे मार्केट के अंदर हमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता है। अब कंपटीशन में फिर रेट हमें देना पड़ता है, रेट बार्गेनिंग करनी पड़ती है, और जो हम प्लान किए होते हैं कि यार बहुत अच्छा अच्छा रेवेन्यू जनरेट करेंगे, प्रॉफिट जनरेट करेंगे, वो पूरा प्रॉफिट पूरा का पूरा घुस जाता है। ठीक है, दिस इज़ द रियल फैक्ट। और हम इसके साथ बिजनेस स्टार्ट क्यों करते हैं, क्योंकि ये मी टू ब्रांड्स हैं। ऐसा लगता है दिमाग में, यार इसको ना सब जगह में चिपका सकता हूँ, इसको सब जगह बेच देंगे। रियलिटी में वो कहीं नहीं बिकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सब जगह वो रेट वाला प्रॉब्लम आ जाता है। आप जितने पे दे रहे होंगे उससे दो पैसा सस्ता कोई और दे के चला गया होगा, अभी आप उस रेट पे दे ही नहीं पा रहे हो, तो ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। या उस रेट पे आप दे भी देते हो तो फिर आपको कुछ नहीं बचता है। तो फिर हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस को? फार्मा फ्रेंचाइजी बिजनेस में फ्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल करता है, प्ले करता है ना, वो है प्रोडक्ट। अगर आपने सही प्रोडक्ट नहीं चूज किया तो कृपया प्रॉब्लम यही आएगी जो मैंने आपको बताया। तो सही प्रोडक्ट कैसे चूज किया जाए, उसमें आप देखिए दोनों टाइप के प्रोडक्ट लेके चलिए साथ में। एक जैसे मैंने आप एक बार शायद बजटिंग में या फिर हाउ टू कन्विंस ए टफ डॉक्टर के बैक मेरा एक वीडियो है, उसमें मैंने प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में बताया। उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, मैं लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आई बटन पे आ जाएगा। उसमें मैंने प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिटेल में बताया कि प्रोडक्ट कितने टाइप के होते हैं या कैसे डॉक्टर कन्विंस किया जाता है। उस वीडियो को देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो वहाँ ये सारी चीज़ मैं रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है, उस वीडियो को देख लीजिए, पता चल जाएगा। प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट किया, कौन से प्रोडक्ट के साथ फिर स्टार्ट करें? प्रोडक्ट दो टाइप के लेके आने चाहिए। वन इज़ द जनरल मॉलिक्यूल, सेकंड इज़ द कॉन्सेप्ट सेलिंग मॉलिक्यूल। जनरल मॉलिक्यूल हमें सडन बिजनेस प्रोवाइड करता है, प्रॉफिट नहीं देता कभी भी। जनरल मॉलिक्यूल हमें सडन हमें बिजनेस जनरेट करके देता है, प्रॉफिट कभी नहीं देता है। कॉन्सेप्ट सेलिंग मॉलिक्यूल लॉन्ग टर्म में बिजनेस हमें देता है, टाइम लेता है बिजनेस देने में, बट मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है, सॉरी मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, अब ये जनरल एंड कॉन्सेप्ट सेलिंग ब्रांड कौन से होते हैं फ्रेंड? जो मैंने अभी आपको ब्रांड बताया, पैरासीटामोल है, एसिक्लोफिनेक सेरेसियो है, रेविप्राजोल है, पेंटाप्रोजोल है, कुछ एंटीबायोटिक्स है जैसे सेफाडोक्जिम हो गया अपना, एमोक्सिक्सिलिन हो गया, सिपिकजिम हो गया। दीज आर द कॉमन ब्रांड्स, कॉमन ब्रांड्स जो इजीली सब जगह बिकते हैं, जो सारे डॉक्टर्स ले सकते हैं, वो कॉमन ब्रांड्स, ये कॉमन ब्रांड्स होते हैं। इसमें रेट की प्रॉब्लम आएगी, सब्स्टिट्यूशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, डॉक्टर कुछ और लिख रहा है आपके ब्रांड की जगह कोई और दे रहा है, ये सब प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इस ऐसा नहीं कि इनके साथ काम स्टार्ट नहीं करना चाहिए, इनके साथ काम स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन इसके साथ में आपको एक या दो ब्रांड या तीन ब्रांड आपको मोनोपोली भी लेकर चलना चाहिए जो सब्स्टिट्यूट ना हो सके, और जिन ब्रांड्स के ऊपर ना आप कॉन्सेप्ट में बात कर सके, जिसको हम कॉन्सेप्ट सेलिंग ब्रांड कहते हैं। ठीक है, जैसे ट्रेंडिंग की बात करें, मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन, ये एक कॉन्सेप्ट सेलिंग ब्रांड है। मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन का प्रोडक्ट सेल करने के लिए ना आपको कॉन्सेप्ट डील डिस्काउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहाँ पे कोई डील डिस्काउंट की बात नहीं करेगा, वहाँ बात करेगा आपका प्रोडक्ट कैसे काम करता है, कितना काम करता है, कैसे काम करता है, बस यही बात होगी। तो उसकी डिटेलिंग जो डिज़ाइनिंग होगी वो बहुत ध्यान से आपको बनाना पड़ेगा। प्रोडक्ट का जब सिलेक्शन करेंगे मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन के लिए, उसके अंदर जो कंपोजिशन है वो कैसे डिज़ाइन किया गया है, उसके अंदर कौन सी चीज़ कितना दी गई है और कितना होना चाहिए, इसके ऊपर आपको स्टडी करना चाहिए, वो लेके आना चाहिए। लो स्पर्म काउंट, ठीक है, एक मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन, मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन कौन सा होता है, लॉस ऑफ लिबिडो को प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, ठीक है, मूड एलिवेटर है, ये सब लॉस ऑफ उसमें मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन में। दूसरा जो तेजी के साथ बीमारी बढ़ रहा है कॉन्सेप्ट सेलिंग में, वो है लो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम। यहाँ पर भी डील डिस्काउंट की बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर बात नहीं होगी, कितना इफेक्टिव आपका प्रोडक्ट है, कैसे वो काम करता है, इसके ऊपर ज़्यादा बात होगी। ये न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स कैटेगरी में भी आते हैं, आयुर्वेदिक में भी आते हैं, ये आपकी चॉइस है कि आप न्यूट्रास्यूटिकल कैटेगरी में लेके आएंगे, आयुर्वेदिक लेके आएंगे। ठीक है, मैं बोलूँगा आयुर्वेदिक में लेके आना, क्योंकि न्यूट्रास्यूटिकल में आपको फिर एक्सपायरी की प्रॉब्लम आएगी 18 मंथ की, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट रहेगा एक्सपायरी से आप बाहर आ जाओगे। ठीक है, तीसरा प्रोडक्ट है ओबेसिटी।
ओबेसिटी आज के टाइम की बिगेस्ट प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पे वही बात आ जाती है, डील डिस्काउंट की बात नहीं होगी यहाँ पे, कॉन्सेप्ट की बात होगी कि आपका प्रोडक्ट कितना इफेक्टिव है और कैसे वर्क करता है। तो ओबेसिटी में बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, ओबेसिटी रिड्यूस हो रही है नहीं हो रही, लेकिन इसका अगर लिपिड प्रोफाइल सही कर रहा है आपका प्रोडक्ट, तो आप इसको की पॉइंट आए USP बना के प्रमोट कर सकते हैं। और बहुत अच्छे ये प्रोडक्ट सेल होते हैं, जिन भी कंपनीज के सेल होते हैं बहुत अच्छी सेल है इनकी, ठीक है। इसके बाद है फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन की बात। फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन में बहुत ब्रॉड कैटेगरी है, पीरियड प्रॉपर टाइम पे नहीं आ रहा है, इसके आयुर्वेदिक ब्रांड्स अवेलेबल है, पीरियड पहले जो मेंस्ट्रुअल पेन होता है, ठीक है, जिसको PMS बोलते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ठीक है, उसका अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसका एक ब्रांड आ जाता है। फिर इनफर्टिलिटी फीमेल्स भी आ रही है, उसकी एक प्रॉब्लम आ रही है, ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ करने की, हेल्थ को मेंटेन करने की प्रॉब्लम आ रही है। दीज आर द कॉन्सेप्ट सेलिंग ब्रांड। ऐसा नहीं है कि ये ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल हैं ये ब्रांड, लेकिन ये फ्रेंड कॉन्सेप्ट के ऊपर सेल होता है। अगर इसका सही राइट डिटेलिंग आपने प्रिपेयर किया, डिटेलिंग के ऊपर मेहनत करना, आपको डील डिस्काउंट डॉक्टर को क्रैक करने मेहनत नहीं करना, यहाँ पर डिटेलिंग के ऊपर मेहनत करना, अगर सही डिटेलिंग प्रिपेयर कर लिए ना आपने, तो डॉक्टर कन्विंस हो जाएगा आपके ब्रांड के साथ, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, डॉक्टर वेरिएट करता रहे। PCOD आज के टाइम में ट्रेंडिंग प्रॉब्लम है, PCOD वेरी कॉमन प्रॉब्लम है। PCOD की अगर ब्रांड्स की बात करो, नंबर ब्रांड्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, और मोस्ट ऑफ द ब्रांड में क्या आता है, मायोनिसिडॉल। मोस्ट ऑफ द 80% ब्रांड मायोनिसिडॉल प्रोवाइड कर रहे हैं। मायोनिसिडॉल का मैं खुद सेल करता हूँ, मैं बता दूँ मायोनिसिडॉल ओनली 65% पेशेंट के ऊपर काम करता है, बायोबिलिटी ओनली 30% है उसकी, तो 4 ग्राम डोज है, सारी कंपनीज ओनली 2 ग्राम या 1 ग्राम ही देती, तो उतना देती भी नहीं है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे ड्रॉबैक है मायोनिसिडॉल के, तो उसके अगेंस्ट बहुत सारा आप कुछ मॉलिक्यूल लेके बेच सकते हैं आयुर्वेदिक में या फिर फूड सप्लीमेंट कैटेगरी में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इस कैटेगरी के साथ चाहिए, दीज आर द कॉन्सेप्ट सेलिंग ब्रांड। तो आप जब भी फ्रेंचाइजी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको दोनों कैटेगरी का मॉलिक्यूल लेके आना चाहिए, एक तो जो बिजनेस थोड़ा बढ़ाएगा, शुरू में बिजनेस लेके आएगा, दूसरा कैटेगरी जो आपको प्रॉफिट देगा। जनरल मॉलिक्यूल आपको बिजनेस दिलाएगा, स्टार्टिंग करवाएगा, शुरुआत कराएगा, प्रॉफिट नहीं देगा कभी, वो कंपटीशन में मर जाओगे आप, कंपटीशन में ख़त्म हो जाता है सारा प्रॉफिट। लेकिन कॉन्सेप्ट सेलिंग जो ब्रांड्स होंगे ना, वो आपको प्रॉफिट दिलवाएंगे, एक्चुअली वही प्रॉफिटेबल ब्रांड्स होते हैं, या न्यूट्रास्यूटिकल ब्रांड्स होते हैं, या आयुर्वेदिक ब्रांड्स होते हैं, राइट। तो आपको जब ब्रांड सिलेक्शन करने की बारी आए, कंपनी सिलेक्ट करने की बारी आई फार्मा फ्रेंचाइजी के अंदर, तो ये दो मॉलिक्यूल के साथ आप स्टार्ट करो, 2-3 मॉलिक्यूल जनरल के लो, एटलीस्ट 2 मॉलिक्यूल आप कॉन्सेप्ट सेलिंग को। कॉन्सेप्ट सेलिंग के मैंने कुछ एग्जांपल दिए, इसके अलावा भी बहुत सारी लंबी लिस्ट है जो आप लेके सकते हैं, प्रोटीन में, न्यूट्रिशन में, बहुत सारे मल्टीविटामिन लेके चले आते हैं, इतना कॉन्सेप्ट है, जेनरिक का ही मल्टीविटामिन इतना बिक रहा है यार, आपको लगता है मैं मल्टीविटामिन सब कोई लिख सकता है तो मैं सबके पास बेच जाऊंगा, अब कहीं नहीं बिकता फिर मल्टीविटामिन, बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन है। प्रोडक्ट ना जब हम डिसाइड करते हैं, बहुत सोच समझ के डिसाइड करते हैं, किसमें जो मीटू प्रोडक्ट के ऊपर मत जाओ, देखो कि कंपटीशन कौन से प्रोडक्ट में कम है, क्योंकि मीटू प्रोडक्ट में आपका मार्जिन चला जाएगा, राइट। ऐसे ही और बेहतरीन आइडिया के लिए ना, आप मुझसे पेड कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, जस्ट 199 रुपीज़ अभी प्राइस है, तो ये बढ़ सकता है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन लेने के लिए फ्रेंड, अपने बिजनेस आइडियाज़ के लिए, डिस्कशन करने के लिए, ग्रोथ के लिए, आप क्या कर सकते हैं, सिंपली पेड कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में 199 रुपीज़ है टॉक करने के लिए, हाफ एन आवर का टाइम पीरियड होता है उसमें, वैसे मैं पूरे टाइम देता हूँ फिलहाल, लेकिन टाइम उसका हाफ एन आवर है। ये नंबर दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, जो बोर्ड लाइन नंबर है इसके ऊपर जस्ट सिंपली आपको टाइप करना है आई नीड पेड कंसल्टेशन, तो पूरा प्रोसीजर मैं आपको वहीं पे व्हाट्सएप पे ही सेंड कर देता हूँ, तो आप पे करके और बुक कर सकते हैं। हाँ, आप ये उम्मीद करें, बहुत सारे लोगों ने अभी मेरे साथ किया कि सर मैं पे करूँ अब आपसे बात करूँ, ऐसा नहीं हो पाएगा डियर, कि आप मुझसे पे करो और इमीडिएटली बात करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मेरे पास ऑलरेडी बुकिंग्स होती हैं, और प्लस मैं अपने टाइम शेड्यूल को देखता हूँ कि यार मुझे कहाँ पे गैप मिल रहा है, राइट, इसलिए मैं शाम का ही टाइमिंग देता हूँ। जब भी मैं किसी से बात करता हूँ, आप सोचते हो मैं दिन में बात कर लूँ, नहीं बात कर सकता हूँ, मैं दिन में अपने काम में बिजी रहता हूँ, राइट। शाम को टाइम मैं फ्री करूँ, अपने वर्किंग से जब मैं फ्री हो जाता हूँ शाम का टाइम, आप मुझे बोलोगे रात में 11 बजे बात करो, मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं बात कर लूँगा, लेकिन आप मुझे बोलोगे सुबह 10 बजे, दिन में 12, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे बात करो, नहीं बात कर पाऊँगा, मैं वर्किंग में बिजी रहता हूँ, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि आप पे करो तुरंत बात करो, ऐसा नहीं, जो मैं कोशिश करता हूँ अल्टरनेट डेज पे आपको देने की, ठीक है, बुकिंग जो भी टाइमिंग रहता है, तो एक दिन बाद का मिलता है, कभी 2 दिन के बाद मिलता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कितनी बुकिंग्स मेरे पास में है। तो जिन लोगों को ऐसा कोई बिजनेस प्लान कर रहे हैं, ठीक है, सजेशन चाहिए, बात करना चाहते हैं, तो आपको ऐसे बहुत बेहतरीन आइडियाज़
मिल सकते हैं बिजनेस ग्रोथ करने के लिए। और हाँ, जो मैंने ये तरीके बताए, इसके ज़्यादा फ्रेंचाइजी बिजनेस को लेके चलेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, आप प्रॉफिट कमा पाओगे, अदरवाइज कंपटीशन में बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा, लेकिन उसका नोटिफिकेशन तब मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप फार्मा के बिजनेस में हैं, बेल आइकॉन को हिट कर दीजिए ताकि कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन मेरे वीडियोस के आपके इनबॉक्स में मिलते रहें। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।